एनटीपीसी में कार्यरत ड्राइवर की इलाज के दौरान मौत। परिजनों ने गेट नंबर एक को किया जाम। कहलगांव एनटीपीसी गेट नंबर एक को शुक्रवार के सुबह करीब 8 बजे मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों एवं ग्रामीणों ने मिलकर जाम कर दिया। बता दें कि एनटीपीसी में डीजीएम की गाड़ी चलाने का काम सदानंदपुर बैसा निवासी फूल कुमार करता था, जिसके इलाज के दौरान भागलपुर में गुरुवार की रात मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने उसके शव को गेट पर रख गेट जाम कर दिया और मुआवजे की मांग करने लगे। करीब 4 घंटे बाद कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा सत्य सहायता राशि देने के बाद जाम हटाया गया। कहलगांव में राजद का 23वां स्थापना दिवस मनाया गया। प्रखंड अध्यक्ष बासुकी यादव की अध्यक्षता में आज कहलगांव प्रखंड कार्यालय में राजद कार्यकर्ताओं ने बिहार में चमकी बुखार तथा भयंकर लू के कारण मुजफ्फरपुर एवं गया में मरे लोग, बिहार में बिगड़ते कानून व्यवस्था, निरंतर बढ़ रहे जल संकट एवं बिहार में बन रहे सुखाड़ की स्थिति के खिलाफ धरना देकर 23वां स्थापना दिवस मनाया। करीब 4 घंटे तक धरना पर बैठने के बाद राजद कार्यकर्ताओं ने वीडियो की अनुपस्थिति में प्रखंड कर्मचारियों को अपना मांग पत्र सौंपा। कार्यक्रम का संचालन जिला महासचिव पवन भारती कर रहे थे। अभी जो हम लोग के सामने मुख्य समस्याएं हैं, वो हम लोग का 5 मांगों के साथ है। पहला ये है कि मुजफ्फरपुर में AES, जिसको हिंदी में चमकी बुखार भी कहते हैं, उसके कारण 250 से 300 के बीच सरकारी आंकड़ा के हिसाब से मौतें हुई है, लेकिन जो ग्राउंड रिपोर्ट है वहां का, वो हकीकत कुछ और है। वहां करीब 500 से ऊपर के बच्चों की मौत हो गई है और सरकार इतना संवेदनशील है कि केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री सो रहे थे और दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी वो क्रिकेट का स्कोर पूछ रहे थे और सामने पत्रकार लोग उनसे जवाब मांग रहे थे बच्चों की मौत पर और वो क्रिकेट के मैच में लगे हुए थे कि स्कोर का क्या स्थिति है। और दूसरा जो गया के जेल में लू चला, उस लू में लगभग 300 से 400 लोगों की मौत हो गई। विधि व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीका से ध्वस्त है और डबल इंजन की सरकार अभी जो जनादेश के खिलाफ बोलना उचित नहीं होगा, क्योंकि जनादेश तो सही में उसको मिला है और इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन जनादेश मिला है आपको काम करने के लिए। ऐसा नहीं कि जनादेश के घमंड में आप लगे रहे कि मतलब एक तरफा जनादेश हमको मिल गया, शायद मतलब हमसे ज्यादा कोई काम नहीं किया, बहुत अच्छा, ये घमंड नहीं होना चाहिए। आप जन अपेक्षाओं से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। अभी आपको इतना बड़ा जनादेश मिला, लेकिन आप इतना बड़ा बिहार में ट्रांसडीज को कहा जाए और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री भले ही इसमें चिंतित ना हो या संवेदना प्रकट ना किए हो, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने, जब प्रधानमंत्री इस पर संवेदना जाहिर कर चुके और उन्होंने माना कि देश के जितने सबसे बड़ी विफलता है उस तमाम विफलताओं में एक विफलता मुजफ्फरपुर की घटना हुआ जिसमें मेरा सारा तंत्र फेल कर गया और इसमें इतने बच्चों का मौत नहीं, उसको नरसंहार कहा गया। जहां 5-10 ही नहीं, वहां तो सैकड़ों मर रहे हैं, उसको नरसंहार ही बोला गया। और वहां जदयू के नेता बयान दे रहे हैं कि ये सब चलता रहता है, बारिश जब गिरेगी ना तो वो AES का पावर घट जाएगा। मतलब ये है कि वो बारिश का इंतजार कर रहे हैं कि बारिश कब आ जाए और ये खतरा टल जाए। खतरा उसको अपना एम्स का टीम, राज्य सरकार का टीम पूरा मेहनत करके उस पर जो रिसर्च करके आखिर ये बीमारी का वजह क्या है, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, मुजफ्फरपुर में ये घटना पहले भी हो चुका है, लेकिन पता नहीं उसको किस ढंग से सरकार ले रही है। लेकिन
रिजल्ट उसका यही है कि आज तक सरकार उस मुद्दे पर पूरी तरीके से फेल है, और भले ही यहां नीतीश कुमार जी और मंगल पांडे जी उसको नहीं माने या स्वीकार नहीं करें, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मेरे देश के तमाम विफलताओं में से एक विफलता है। वार्ड सदस्य ने हाईमास्ट चालू करने की मांग, लंबे समय से खराब पड़े हाईमास्ट को ठीक करने की मांग करते हुए आज वार्ड नंबर एक की सदस्य अंगूरी बेगम ने कहलगांव एसडीएम को पत्र लिखा, जिसमें कब्रिस्तान, एसएसबी कॉलेज, कालीघाट, शमशान घाट, बीआरसी में बंद पड़े हाईमास्ट को चालू करने की मांग की गई। भव्य शुभारंभ वन इंडिया फैमिली मार्ट का अब आपके शहर कहलगांव में 21 जून को। वार्ड नंबर 6, विक्रमशिला नगर, कल्पना सिनेमा रोड, नियर बंधन बैंक, कहलगांव, बिहार। खुल रहा है फैशन का बड़ा मार्ट, वन इंडिया फैमिली मार्ट, इंडिया का मार्ट। जी हाँ, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, असम, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, मेघालय और उड़ीसा के कई शहरों में धूम मचाने के बाद अब आपके शहर कहलगांव में भी खुल रहा है वन इंडिया फैमिली मार्ट। अब मिलेगी खरीदारी पर बड़ी छूट, अब रुपए 1000 की खरीद पर पाएं रुपए 1000 की खरीदारी मुफ्त। जी हाँ, सही सुना आपने, 1000 की खरीद पर रुपए 1000 की खरीद मुफ्त गिफ्ट वाउचर के द्वारा। अब पाइए मौका हजारों रुपए जीतने का वन इंडिया फैमिली मार्ट से। अब कीजिए शॉपिंग 1000 रुपए की और पाइए रुपए 2000 तक का कैश तुरंत।